नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। एनजीटी ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब समय आ गया है जब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध उपयोग की जवाबदेही तय की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना के ओमिक्रॉन को लेकर आज राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग में ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकारें क्या उपाय कर रही है, इस पर चर्चा होगी। एडमिरल हरि कुमार ने नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह ली। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि देश में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद वायुसेना के 49 और नौसेना के 4 कर्मियों की जान गई, जबकि देश भर में कुल 190 सैन्य कर्मियों की मौत हुई और इसमें सबसे ज़्यादा 137 कर्मी थल सेना के हैं। राज्यसभा में हुई हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद निलंबित किए गए सभी सांसद राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू से मुलाकात कर रहे हैं, जहां वे सांसद माफी मांग सकते हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के रवैये को लेकर उन पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी डबल गेम खेल रही है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर चुने गए भारत के पराग अग्रवाल को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय प्रतिभा का फायदा अमेरिका को भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज होने वाले भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक में प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बिहार में आज विपक्ष राज्य की नीतीश सरकार को महंगाई से लेकर शराबबंदी के मुद्दे पर विधानसभा में घेरेगा। पंजाब के लुधियाना जिले में आज 116 जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। इनमें 103 जगहों पर कोविशील्ड और 13 जगहों पर कोवैक्सीन लगेगी। हरियाणा के कैथल में राजौंद पुंडरी हाईवे पर 2 कारों में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को किया भंग, पूरी हुई तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से चल रही मांग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर राज्य में जांच अभियान तेज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नए वेरिएंट के संदेह के चलते जांच के सैंपल दिल्ली भेजे गए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चरुंग ने कहा कि घाटी में सिख और पंडित खतरे में हैं, इनकी सुरक्षा को और पुख्ता बनाए जाने की जरूरत है। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई जा रही हैं, जहां वह राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी। अभिनेता सलमान खान फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के प्रमोशन के लिए गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां सलमान ने आश्रम में चरखे पर हाथ आजमाया। राजस्थान में अलवर जिले के भिवारी में उद्योगों और सीवरेज का पानी बिना ट्रीट किए हुए हरियाणा में छोड़ने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रवैया अपनाते हुए रीको और स्वायत्त शासन विभाग को करीब 31 करोड़ रुपए का मुआवजा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड में जमा करने का निर्देश दिया। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए जैतून का तेल कारगर माना गया है, क्योंकि जैतून के तेल में सूजन को दूर करने की क्षमता होती है, जिससे गले के अंदर हवा के आने जाने में किसी तरह की रुकावट नहीं होती। ऐसे में रात में सोने से पहले जैतून की तेल के 2 घूंट पी लें, इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। इसके अलावा 2 बूंद तेल आप नाक में डालें, इससे खर्राटे की समस्या दूर होगी। DRDO ने जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क में 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट में खास उपलब्धि हासिल की। वह भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं। फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी ने शेयर की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग की 5 तस्वीरें। तस्वीर से लीक हुआ रणबीर कपूर के पौराणिक किरदार का लुक।
जी हाँ, ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।